संचल अकेडमी विद्यालय के प्राचार्य ने परीक्षाओं के दौरान समय निर्धारण और रिवीजन का महत्व बताते हुए छात्रों को दिए महत्वपूर्ण टिप्स। तो बच्चे अपनी जो प्रिपरेशन किए हैं, मेरा यही कहना है हमसे कि वो उस सभी टॉपिक्स को, सभी चैप्टर्स को प्रॉपरली रिवीजन करें, और रिवीजन करने के बाद सबसे बड़ी बात जो है बच्चों को लिख करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरी बात एक है, बच्चों को समय के अनुसार, प्रायः सभी परीक्षाओं में 3 घंटे या 2.5 घंटे का समय होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको टाइम मैनेज करना चाहिए। वो कोई भी मॉडल पेपर लेकर के और उसको सॉल्व करें और ये देखें कि हम 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर पूरा कर लेते हैं या नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं तो हम उसको किस तरह से हम कोशिश करें कि जो क्वेश्चन पेपर है उसके मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। आज की डेट में टाइम मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों के साथ, तो उसके बारे में सर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा जो सलूशन है, टाइम मैनेज हम कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट, उसके लिए बच्चों को प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन पेपर के साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि उनको टाइम को मैनेज करने में, एग्जामिनेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब वो जो प्रश्न उनसे बनते हैं उन प्रश्नों को उनको पहले हल कर लेना चाहिए। यदि प्रश्न कोई नहीं बनता है, डाउट है, तो उसको बाद के लिए छोड़ देना चाहिए। लास्ट में उन क्वेश्चन को हम अटेंड करें जिसमें हमें कुछ डाउट है या मुझे पूरी तरह से नहीं आते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस घर में करके जाएं। तो क्वेश्चन पेपर की अगर हम प्रैक्टिस करके जाते हैं तो निश्चित तौर पर हर स्टूडेंट एक अच्छा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। क्योंकि यूजली ये सुनने में आता है कि बच्चे कहते हैं कि हमसे बनते हुए क्वेश्चन छूट गए हैं, बहुत प्रायः बन चुका है। इसके लिए सबसे बड़ा यही तरीका होता है कि जब हम अपने सिलेबस की तैयारी कर लेते हैं, परीक्षा की तैयारी कर लेते हैं, तो फरवरी में हम खूब क्वेश्चन पेपर की भरपूर प्रैक्टिस कर लें। ओके।